कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थंबनेल देख लिया है, ये खड़ी है बाइक यामाहा FC-X एंड थैंक यू सो मच यामाहा मोटर इंडिया फॉर सेंडिंग दिस बाइक फॉर रिव्यू। सो इस वीडियो में पूरा वॉक अराउंड रिव्यू देंगे, बाइक कैसी है और क्या खासियत है इसमें। सो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को दीजिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कर दीजिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लो, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है, अब तक फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए। इसकी अपडेट इंस्टाग्राम पर डल गई है, पहले अपडेट डलती है बाद में वीडियो आता है, तो फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और एंजॉय करें। हल्की हल्की छोटी छोटी झलकें हैं सिनेमैटिक। तो कैसी रही छोटी छोटी झलकियाँ बाइक की एंड सो बाइक के बारे में बताना शुरू करते हैं। घर पे ही वीडियो बना रहा हूँ अभी वॉक अराउंड वाला एंड अगर हल्की सी अगर थोड़ी सी आवाज़ आ जाएगी क्योंकि सोसाइटी में थोड़े से रिपेयर वर्क चल रहा है तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। अगर मैं बाइक को सबसे पहले आगे से ही दिखाना शुरू करूँ तो सो लुक एट हेडलाइट। सो जो इसका हेडलाइट का स्टाइलिंग मेरे को अच्छी लगी है, स्मॉल है बट यू हैव द DRL एंड यू हैव द LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प राइट इन द मिडल। और रात में इसका पूरा टेस्ट करेंगे कैसा है, कैसी थ्रो है एंड ऑल एवरीथिंग। एंड अगर मैं इधर आता हूँ फ्रंट पे जो इसका मडगार्ड है, सो दिस इज मेटल, ABS की ब्रांडिंग करी गई है। यूजली हम देखते हैं जो ये मडगार्ड की सपोर्ट होती है ये नीचे को होती है मगर ऊपर लगाई गई है। सो बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है फ्रंट वन डिस्क के अंदर फ्रंट, और जो ये फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक 41mm की, इसमें ये लगे हुए हैं शॉकर रबर जिसको बोलते हैं रबर गेटर्स। सॉरी थोड़ी सी गंदी है ऐसे ही बाइक है ये बाइक की चेसी जो है सिंगल ट्यूब पे है, देसी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे यूजली रेडिएटर होता है मगर इस बाइक में रेडिएटर नहीं है क्योंकि ये एयर कूल्ड बाइक है। और ये देखिए दिस इज जो श्राउड है टैंक को सपोर्ट कर रहा तो ये मस्कुलर लुक दे रहा है, ये भी मेटल का है और नीचे या सम गार्ड जिसको बोलते हैं ये भी मेटल का है, ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी है। ये है इसका एग्जॉस्ट और ये इसके फुट पैग्स। अब जो फुट पैग्स हैं ये फोल्डेबल हैं और ये इसका ब्रेक पैडल, बट एक चीज़ मेरे को लगी है थोड़ा सा ना जिसको बोलो इसको थोड़ी सी फिनिशिंग अगर अच्छी कंपनी कर देती तो बहुत अच्छा होता। एंड ये रियर फुट पैग्स, ये है पिछली डिस्क और ये निसन के कैलिपर्स दिए गए हैं इसके अंदर। जो इसका रियर सस्पेंशन है दैट इज़ मोनोशॉक 7-स्टेप एडजस्टेबल है, ये प्लास्टिक का है एंड लुक एट द ब्रांडिंग ऑफ यामाहा। टैंक पे आता हूँ तो यहाँ पे ब्रांडिंग करी गई है FC-X की, टैंक मेटल का है और टैंक के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइनिंग करी गई है जस्ट टू गिव अ मस्कुलर लुक, बहुत अच्छी लग रही है। फ्यूल कैंप जो अभी खोल के दिखाता हूँ और यहाँ पे चाबी है। अगर मैं सीट के ऊपर आता हूँ तो सिंगल सीट है, कर्वी डुअल टोन पे ये सीट है और देखो डिज़ाइनिंग करी गई है। अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी कुशनी है, ब्रॉड है अगले पैसेंजर के लिए भी और फॉर रियर पिलियन। ये एक तरह से बैक रेस्ट और ग्रैब रेल का काम कर रही है, ये देख लीजिए मेटल का टायर हगर है और टायर हगर को अगर मैं दूँ तो प्रोटेक्शन दोनों तरफ से है। अगर इधर से देख लीजिए कैसी लग रही है बाइक, जैसे फ्रंट लाइट LED है तो बैक लाइट भी LED है, बट जो इंडिकेटर्स हैं दीज आर बल्ब्स, दीज आर नॉट LED इंडिकेटर्स। लुक एट द लुक्स ऑफ द बाइक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दिया गया है बाइक के अंदर। जो इसमें टायर्स दिए गए हैं एक तरह से मैं बोलूँगा कि ब्रॉड में है और देखो इसके ग्रूव्स वगैरह एंड ऑल मल्टीपर्पज़ एक तरह से मैं बोलूँगा सिटी राइडिंग रेन में थोड़ी सी ऑफ रोड कर सकते हैं बट नॉट हैवी। इस बाइक को FZ प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, मैं सिंपल में भाषा में बोलूँगा कि कॉस्मेटिक चेंजेस एंड बाइक रिमेंस द सेम बट ओवरऑल लुक्स वाइज इज अमेजिंग। अगर मैं टैंक पे आता हूँ तो टैंक जो है बहुत बल्की लुक देता है यार, टैंक की कैपेसिटी बहुत थोड़ी है 10 लीटर का ही है बट स्टाइलिंग के साथ लुक्स वाइज इसको काफ़ी बोल्डनेस दी गई है और बाइक थोड़ी सी भारी और बड़ी लगती है। अगर मैं हैंडल पे आता हूँ तो ये स्विच किल स्विच और ये इग्निशन का है, इधर आता हूँ तो ये लाइट का हाई बीम लो बीम, यहाँ पे DRL हाई और लो और ये इंडिकेटर और ये हॉर्न PP वाला और यहाँ पे पास का
नॉर्मल जिसको बोलो कि आपके लीवर्स एंड एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दी गई है, मगर यहाँ पे आपको कनेक्टर लगाना पड़ेगा, पोर्ट दे दिया है इन्होंने। और जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दिस इज़ LCD, डे टाइम में थोड़ा सा डार्क दिखता है और जैसे ही आप रात में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ग्लो करता है ब्लूइश में। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे RPM मीटर है, ये स्पीड देता है, यहाँ पे फ्यूल गेज है, यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो, इस बटन से आप सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे AAA, 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 ODO और टाइम की सेटिंग्स आती है। इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है और आप वाई कनेक्ट यामा की ऐप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग जब करते हैं यहाँ पे आपको ब्लूटूथ से आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, आप फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस एंड ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वाई कनेक्ट जो ऐप है उसके साथ आपको बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं जिसमें आपकी बाइक की परफॉर्मेंस एंड ऑल, रेव वगैरह, काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं देखने के लिए। टैंक पे आता हूँ तो जो इसका ये टैंक ऐप है ये रिमूवेबल है, ठीक है, एंड आसानी से बंद हो जाता है। ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि DRL को आप हाई और लो कर सकते हैं, ये देखो ये लो हो गया और ये हाई हो गया DRL। ये देखिए, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, और ये एक तरह से DRL सिंगल डबल, ठीक है। और ये देखो डिपर वगैरह, बाकी जो है दोबारा से आपको रात में दिखाऊंगा कैसे परफॉर्मेंस है इसकी। मैंने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया तो एग्जॉस्ट नोट की साउंड भी सुन लो। कैसी रही एग्जॉस्ट नोट की साउंड, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। रियर सीट को खोलने के लिए यहाँ पर चाबी लगा लीजिए, रियर सीट खुल जाएगी। और जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी मिसिंग लगी है इस बाइक के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ हुक वगैरह दे देते तो मतलब कुछ अगर टांगना हो तो आसानी हो जाए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ जब आप बाइक का स्टैंड लगाते हैं तो आसानी हो जाती है बाइक का स्टैंड लगाने, क्योंकि कई बार हाथ यहाँ पर डालना पड़ता है। दैट्स वॉट इज़ मिसिंग, दैट्स माई पर्सनल थिंकिंग। एक चीज़ जो मेरे को लगी है, जो थोड़ा सा ना ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा हिल रहा है, आई थिंक इसमें कोई सपोर्ट दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसकी हैंडल की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी ऊंची है, अच्छी है। इसके साथ अगर यामहा इतने फीचर्स अगर दे रहा है, इतनी अच्छी चीज़ें दे रहा है यामहा, तो अगर यहाँ पे इसके अंदर एक तरह से LED इंडिकेटर्स दे देते और यहाँ पे आपका हैजार्ड सिस्टम अगर दे देते तो यार वो बहुत अच्छा होता। मतलब मीन्स जो लोग कस्टमाइज कराते हैं उनको कराने की ज़रूरत ही नहीं है। कवर करने के लिए हल्की सी विंडस्क्रीन, छोटी सी, दैट लुक्स मोर स्टाइलिश। बाकी ओवरऑल तो बाइक बहुत अच्छी लगी है मेरे को एंड ऑल। सो अब बाकी डिटेल्स बताते हैं। सो क्विकली अब अगर मैं बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे आऊँ तो इस बाइक के अंदर लगा है 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड सॉक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 12.3 BHP की आउटपुट एट 13.3 Nm टॉर्क। टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है, 5 गियर हैं इस बाइक के अंदर। मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 810 mm की है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है बाइक की 165 mm की है। बाइक के अंदर LED हेडलाइट और LED बैकलाइट है, इंडिकेटर्स नॉर्मल हैं बल्ब वाले, और सिंगल चैनल ABS है बाइक, और सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक। फ्रंट डिस्क साइज है 282 mm का और रियर डिस्क साइज है दैट इज 220 mm का। 17 inch के अलॉय व्हील्स लगे हैं बाइक के अंदर, ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। अगर मैं फ्रंट टायर का साइज बताऊं तो 100, 80, 17 और पिछला टायर इज 140, 60, 17 का। बाइक का वेट इज 139 kg और अगर मैं फ्यूल एवरेज की बात करूं जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 55 km की। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यामा FZX की एक शोरूम प्राइस इन दिल्ली इज 1,24,300 rupees, 1,24,300, और ऑन रोड पड़ती है 1,44,407 rupees। आप बाइक को 5,000 rupees देके बुक करा सकते हैं, दैट इज़ अ मिनिमम अमाउंट, और जितना ज़्यादा देना मांगे आपकी श्रद्धा है। और बाइक के ऊपर वेटिंग अभी नहीं है एज ऑफ नाउ, बाइक इज़ रेडली अवेलेबल इन द शोरूम्स। अब आते हैं वारंटी के ऊपर, तो यामा FZX के ऊपर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है फ्रॉम द कंपनी और 30,000 kilometers विच अवर्स अकर्स अर्लियर। बाकी डिटेल्स जो हैं आप शोरूम से पता कर लीजिए कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अगर मैं बाइक की सर्विस डिटेल्स के बारे में बताऊं तो फर्स्ट सर्विस होती है 1,000 kilometers और 30 days,
और जो सेकंड सर्विस होती है दैट इज 4000 किलोमीटर्स और 150 डेज या 5 महीने ले लीजिए, उसके बाद ऐसा इंटरवल बनता है। तो जो सर्विस कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 बनती है। इसमें फोर सर्विसेज जो हैं वो फ्री होती है, मीन लेबर नहीं लगती है। 1.5 साल तक तो आपके लेबर चार्जेस बचेंगे, उसके बाद कम ही है। टू मेंटेन दिस FCX इज वेरी लेस आई वुड से। सो ओवरऑल लुक्स वाइज तो बाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी का मिसिंग है वो मैंने बता दी इस वीडियो के अंदर। एंड बाइक चलने में कैसी है इसका प्रॉपर एक राइड रिव्यू बनाऊंगा मैं। एंड सेकेंड थिंग, इसको जब रात में चलाऊंगा तो थोड़े सा जो इसकी हेडलाइट के शॉट्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। सो भाई ओवरऑल मैं बोलूँगा फ्रॉम द लुक्स वाइज एंड ऑल, यामा हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल बाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू। दिस इज समथिंग लाइक, जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई मैंने बता दिया है। एंड थैंक यू सो मच यामा मोटर इंडिया फॉर गिविंग दिस बाइक फॉर रिव्यू। सो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो वीडियो आज बना है आप सबके लिए ऑन यामा FZX फुल रिव्यू, ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबा दिए नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, नीचे आईडी आ रही है, इसकी अपडेट ऑलरेडी डल गई थी। सो मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।